वो गोलोक का प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, वो मैं इसको ग्रहण कर सकूं, मेरे हृदय के अनर्थों को दूर कर दें। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नरसिंह भगवान क्रिएट्स फियरलेसनेस इन द हार्ट्स ऑफ द डिवोटीज। भगवान नरसिंह देव हृदय में सब जो भी अनर्थों को दूर करते हैं और एक निर्भयता पैदा करते हैं, क्योंकि दुनिया जो है बहुत ही भयानक जगह है। स्पेशली अभी ये कोरोना के सीजन में आप देख रहे हैं, अभी भी स्थिति पहले से थोड़ी अच्छी है लेकिन अभी पूरा नहीं हुए। एक और प्रेयर नरसिंह भगवान से ये भी रहेगा कि हम जितने भी डिवोटीज हैं उनकी रक्षा हो, न केवल डिवोटीज, नॉन डिवोटीज सब, उनको शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से रक्षा हो और सब भगवान का नाम शुद्ध भाव से ले सके। हमारा एम्बिशन हो जाए प्रहलाद महाराज की तरह। भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को पूछा, आपको क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद महाराज बोले कि मैं तो एक कुएं में गिर रहा था जहाँ पर बहुत सारे सांप भरे हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने मुझे बाहर निकाला। ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में मैं गिरा हुआ, हम सब ये इसमें सांप पहने मटेरियल डिजायर है, तो गुरु महाराज मुझे बाहर निकाला। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मेरे गुरु नारद मुनि के मैं कृतज्ञ हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो हम भगवान की सेवा नहीं चाहते, भगवान के भक्तों की सेवा चाहते। और एक वरदान प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा, भगवान अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो वरदान दो कि मेरे हृदय में कोई भौतिक अनर्थ नहीं रहे, कोई भौतिक इच्छा नहीं रहे, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित। मैं धन जन कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपकी सेवा करने का अवसर मिले। तो ये भक्ति प्रार्थना होती है कि मेरे हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट हो। तीसरा वरदान प्रहलाद महाराज ने ये मांगा कि मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु, जिसने आपके प्रति बहुत सारे अपराध किए थे, आपकी निंदा की थी, उनको क्षमा कर दो, सहनशीलता। प्रहलाद महाराज के अंदर एक गुण था कि जिस व्यक्ति ने उनको मारने का प्रयास किया उसको भी, उसके लिए भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम भी प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में चल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे सुख निराम, सब जीव सुखी हों, कोई जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं रहे। और प्रहलाद महाराज गौर लीला में फिर से आते हैं, किस रूप में आते हैं प्रहलाद महाराज? वासुदेव दत्त के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वासुदेव वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? और वासुदेव क्या वरदान मांगते हैं कि जितने भी जीव हैं भौतिक संसार में दुखी हैं, वो सब मुक्त हो जाएं, सबके पाप दूर हो जाएं, सब भगवत धाम चले जाएं और उनके पाप मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं नरक में जाने को तैयार हूँ उनके लाभ के लिए। तो ये हमारे कुछ मेडिटेशन होने चाहिए आज के दिन नाम जप करते समय, कि हम भगवान की कृपा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करें और विशेष हृदय में अनर्थ जो है वो सब दूर हो जाएं, से शुद्ध नाम प्रकट हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, प्रभुपाद की जय। आइए हम सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं जो कल्पवृक्ष के समान है, सब लोग की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, दया के सागर हैं, पति जनों को पंच कल्प तरु कृपा सिंधु भी पति तानु वैष्णव।